और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो बस आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑटो पिकअप सेटिंग के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कि हमारे फ्री फायर गेम के अंदर एक सेटिंग है ऑटो पिकअप के नाम से। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि ऑटो पिकअप सेटिंग में आपको किस ऑप्शन को जो है ऑफ रखना है, किस ऑप्शन को आपको ऑन रखना है, साथ ही साथ किस ऑप्शन से क्या होता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दो नए और ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, प्रियोरिटी साथ ही साथ क्लासिक मोड, टीम क्लास मोड। इसके बारे में भी बताऊंगा कि ये क्या है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, साथ ही साथ चैनल अपना है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक ऑप्शन ऑटो पिकअप का, सिंपल सा आपको इस पर आ जाना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे ऑप्शन, जैसे कि डिफॉल्ट, प्रियोरिटी, साथ ही साथ क्लासिक मोड, टीम क्लास मोड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डिफॉल्ट सेटिंग क्या है, उसके बाद प्रियोरिटी, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये क्लासिक मोड, टीम क्लास मोड क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डिफॉल्ट में आपको सबसे पहले देखने को मिल जाता है वेपन्स। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि वेपन्स का मतलब होता है गन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं एक गेम खेल रहा हूँ। फ्रेंड्स ये सेटिंग जो है वेपन्स का मेरे में ऑफ है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। फ्रेंड्स मैं किसी एक लूट के पास जाता हूँ और मेरे पास इस वक्त किसी भी प्रकार का गन नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जस्ट मैं लूट के पास आया, तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस लूट बॉक्स में गन है लेकिन फ्रेंड्स ये मेरे पास आ नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर इस मैं सेटिंग को ऑन कर देता हूँ और फ्रेंड्स अब मैं लूट के पास जाता हूँ, लूट बॉक्स के पास जाता हूँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक गन जो है मेरे पास आ चुका है, मुझे सेलेक्ट करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड्स इसको आपको सिंपली जो है ऑन ही कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सेकेंड ऑप्शन आर्मोरर एंड बैकपैक्स। तो फ्रेंड्स इसमें आपको दो चीज़ें देखने को मिलती है, फर्स्ट है हमारा वेस्ट और सेकेंड है बैकपैक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास बेस्ट नहीं, और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इस सेटिंग को ऑफ किया हूँ। और फ्रेंड्स अब मैं चला जाता हूँ एक लूट के पास, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर ये ऑप्शन ऑफ है और मैं किसी लूट के पास जाता हूँ और उस लूट बॉक्स में वेस्ट या बैकपैक है, तो फ्रेंड्स वो बैकपैक मेरे पास नहीं आएगा। वहाँ पर मुझे जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा आइटम मुझे चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स इसको अगर मैं ऑन कर देता हूँ, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, और फ्रेंड्स अब मैं किसी लूट के पास जाता हूँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑटोमेटिक बैकपैक और वेस्ट जो है मेरे पास आ चुका है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट ऑप्शन मेडिकिट। तो फ्रेंड्स इसका भी सेम टू सेम ही सीन है, अगर ये ऑफ रहेगा और आप किसी लूट बॉक्स के पास जाएंगे तो फ्रेंड्स उसमें अगर मेडिकिट रहेगा तो मेडिकिट आपके पास जो है ऑटोमेटिक नहीं आएगा। अगर इसको आप ऑन कर देते हैं और लूट बॉक्स के पास जाते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेडिकिट जो है ऑटोमेटिक आपके बैग में एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारा नेक्स्ट सेटिंग है एमओ का। तो फ्रेंड्स ये जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास किसी भी एसएमजी का गन है या एआर एमओ का गन है या शॉटगन एमओ का गन है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एग्जांपल के रूप में मेरे पास एआर एमओ का गन है। और फ्रेंड्स यहाँ पर मान लीजिए मेरे गन में एमओ नहीं है, और फ्रेंड्स मैं किसी एक लूट बॉक्स के पास जाता हूँ और मेरे में एमओ सेटिंग जो है ऑफ है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मुझे जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस गन का जो है एमओ लेना चाहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर इस सेटिंग को मैं ऑन कर देता हूं और अब मैं किसी लूट बॉक्स के पास जाता हूं, तो फ्रेंड्स यहां पर आप लोग देख सकते हैं जो भी मेरे पास गन है एआर एमओ या एसएमजी गन या शॉट गन, उसके हिसाब से जो है ऑटोमेटिक मेरे पास एमओ आ जाएगा अगर उस लूट बॉक्स में रहेगा तो, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट सेटिंग है अटैचमेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारा अटैचमेंट है इसमें आपको देखने को मिल जाएगा सेलेंस और जो गन का होता है साथ ही साथ स्कोप। तो फ्रेंड्स इसको भी आपको ऑन ही रख देना है। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का ऐसा गन है जिसमें सेलेंसर या स्कोप एडजस्ट हो जाता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब भी आप किसी लेंसर या स्कोप के पास जाएंगे तो फ्रेंड्स ऑटोमेटिक जो है आपके गन के साथ वुड पिकर AC-18 इन सब गन के साथ जो है एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स ग्रेनेड का भी सेम टू सेम ही काम है, इसको आप ऑन कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा स्पेशल इक्विपमेंट। तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या होता है, तो फ्रेंड्स अगर आप बीआर मैच खेलते होंगे यानी बेटल रॉयल का मैच, बड़ा रैंक का मैच, तो फ्रेंड्स वहाँ पर आपको रेड ड्रम देखने को मिलता होगा। तो फ्रेंड्स इसको अगर आप ऑफ करते हैं और आप किसी रेड ड्रम के पास जाते हैं, तो फ्रेंड्स वो ड्रम जो है ऑटोमेटिक आपके कैरेक्टर के बॉडी के साथ एडजस्ट नहीं होगा। लेकिन आप इसको ऑन कर देते हैं तो फ्रेंड्स ये जो है अगर आप किसी भी ड्रम के पास जाएंगे तो फ्रेंड्स ऑटोमेटिक ड्रम जो है आपके बॉडी के साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिंपली इसको ऑफ ही कर देना है, क्योंकि जब भी एडजस्ट हो जाता है रेड ड्रम
कैरेक्टर के बॉडी के साथ, तो फ्रेंड्स वहाँ पर बेकार लगने लगता है। अगर आपको आवश्यकता है रेड ड्रम की, तो फ्रेंड्स वहाँ पर आप क्लिक करके इजीली जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक ऑप्शन इवेंट आइटम। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि हमारे फ्री फायर गेम के अंदर बहुत सारे ऐसे इवेंट चलते रहते हैं, जिस इवेंट में हमें बोला जाता है कि आपको जो है टोकन कलेक्ट करना पड़ेगा और उसी टोकन से जो है हमें फ्री रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो फ्रेंड्स वो टोकन जो है हमें किसी न किसी गेम के अंदर ही मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आप कोई भी गेम खेल रहे हैं और फ्रेंड्स टोकन मिलना रहता है, कोई इवेंट अगर चल रहा है उस इवेंट का टोकन गेम के अंदर ही मिलना होता है, तो फ्रेंड्स वहाँ पर क्या होगा कि अगर आप इस ऑप्शन को ऑफ रखेंगे और आप कोई भी टोकन के पास जाएंगे, तो फ्रेंड्स वहाँ पर जो है ऑटोमेटिक टोकन जो है आपके पास नहीं आएगा, आपके बैग में एडजस्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन फ्रेंड्स इसको अगर आप ऑन कर देते हैं, तो फ्रेंड्स ऑटोमेटिक टोकन जो है किसी भी इवेंट का वो आपके बैग में एडजस्ट हो जाएगा। अभी जो है हमारे फ्री फायर गेम के अंदर कोई भी इवेंट नहीं चल रहा है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेटिंग है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑटो पिकअप। तो फ्रेंड्स इसको आपको जो है सिंपली फास्ट कर देना है। और फास्ट आप किस लिए करिएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप बैटल रॉयल मैच खेल रहे हैं और फ्रेंड्स आप किसी इनेमी को किल कर देते हैं और उसके लूट बॉक्स को लूटने जाते हैं, तो फ्रेंड्स वहाँ पर क्या होगा कि आप में जो जो भी आइटम्स नहीं रहेगा वो ऑटोमेटिक जो है बहुत ही ईजी और फास्ट तरीके से आपके बैग में एडजस्ट हो जाएगा, चाहे वो ग्लूबल हो, ग्रेनेड हो, सेलेंसर हो, किसी भी प्रकार का जो है आइटम आपके बैग में एडजस्ट हो जाएगा बहुत ही फास्ट, इसलिए आपको इसको जो है फास्ट। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा प्रियोरिटी का ऑप्शन। तो फिर इसमें आपको जो है देखने को मिल जाएंगे सबसे पहले वेपन और मोरर एंड बैकपैक मेडिकिट एमओ एडजस्टमेंट एंड ग्रेनेड। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इवेंट आइटम। तो फ्रेंड्स ये लाइन से क्यों दिया गया है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप किसी भी मैच को खेलते हैं और फ्रेंड्स उस मैच में आप किसी भी इनेमी को किल कर देते हैं और उस इनेमी के बैग को लूटने आप जाएंगे, तो फ्रेंड्स वहाँ पर क्या होगा कि जो सबसे पहले सेटिंग में आपका रहेगा, जैसे कि मेरे सेटिंग में वेपन है, तो फ्रेंड्स वहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले हमें जो है वेपन सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, उसके बाद ही बैकपैक या वेस्ट, उसके बाद मेडिकिट एमओ एडजस्टमेंट ग्रेनेड या इवेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप जो है अपने मन से एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको सबसे पहले कौन सा आइटम चाहिए उसके बैग में से, जो इनेमी का बैग होता है उसमें से। तो फ्रेंड्स आप करके आ सकते हैं, मान लीजिए सबसे पहले मैं मेडकिट उठाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपको मेडकिट के साइड जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ऑफ का ऑप्शन एरो का, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। जस्ट आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर जो है ये मेडिकिट ऊपर चला जाएगा, मेडिकिट वाले सेक्शन को ही ऑफ करना है। उसके बाद मान लीजिए मुझे चाहिए वेपन, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर वेपन तो मेरे सेकंड ऑप्शन पर ही है। मान लीजिए अब मुझे चाहिए ग्रेनेड, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ग्रेनेड पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर इसी प्रकार से जो है आपको सबसे पहले ऊपर साइड लेके चले जाना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, इसी प्रकार से आप सबसे पहले एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से आपको कौन सा आइटम चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा मेडिकिट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये बोल रहा है कि मेडिकिट जो है अगर आप किसी बैकपैक को लूटने जाएंगे, तो फ्रेंड्स अगर उस बैकपैक में 10 या 15 मेडिकिट है, तो फ्रेंड्स आप केवल उस वहाँ पर 5 ही मेडिकिट एडजस्ट कर पाएंगे, ले पाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप इसको बढ़ा दीजिएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी मेडिकिट रहेगा, मान लीजिए मैक्सिमम तो 15 तक दिया गया है, मान लीजिए 15 मेडिकिट है, तो फ्रेंड्स वहाँ पर जो है 15 मेडिकिट आपके बैकपैक में इजीली एडजस्ट हो जाएगा अगर आपका बैग खाली है तो। एमओ का ऑप्शन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स एमओ में भी आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है, जैसे कि एआर एमओ, एसएमजी एमओ, साथ ही साथ एसजी एमओ, उसके बाद स्नाइपर एमओ। तो फ्रेंड्स ये बोल रहा है कि आप जो है कितने एमओ सेलेक्ट कीजिएगा इनेमी के बैग में से, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक एडजस्ट किया कि 120 एआर एमओ का एमओ, साथ ही साथ एसएमजी गन का एमओ 120, उसी प्रकार से एसजी यानी शॉर्ट गन का एमओ 36, उसके बाद स्नाइपर जो गन होता है उसका एमओ जो है 30। तो फ्रेंड्स आप अपने मन से जो है इसको बढ़ा सकते हैं कि आप कितने एमओ रखना चाहते हैं। यहाँ पर तो मैं फुल ही कर दूंगा इस दोनों का, क्योंकि इसका ही ज़्यादा यूज होता है एआर एमओ, साथ ही साथ एसएमजी एमओ का। इसी प्रकार से जो है सबसे पहले आपको इसको भी एडजस्ट कर लेना है, इसका मतलब यही है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्लासिक मोड और टीम क्लास मोड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो है सिंपली कोई भी टूर्नामेंट चलता है, जैसे कि यहाँ पर अभी आपको पता होगा कुछ दिन पहले बम्स स्क्वाड का एक इवेंट आया था, तो फ्रेंड्स उसके लिए ही है। यहाँ पर आपको क्लासिक या टीम क्लास मोड देखने को मिल जाता है, और अगर आप टीम क्लास मोड के लिए कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो आप क्लासिक मोड पर ही रहने दीजिए। इसका कोई भी उतना यूज नहीं है, केवल और केवल टूर्नामेंट इवेंट के लिए ही यूज है। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो का लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलता हूँ किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।